देखे तीनों वैक्सीन, चाहे वो स्पुतनिक भी हो, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन की हम लोग तो लगभग 18 करोड़ से ज्यादा डोजेज लगा चुके हैं। समझ सकते हैं इतनी बड़ी अमाउंट, जो कई सारे देश, पूरी जनसंख्या होती है उतनी सारी हम वैक्सीन लगा चुके हैं। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, बहुत एफिकेसियस है और इसके कोई बड़े मेजर साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग सुन रहे थे कोविशील्ड के बारे में, कोवैक्सीन के बारे में, कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट बहुत हैं, इनफर्टिलिटी हो जा रही है या सीरियस रिएक्शंस हो रहे हैं, क्लॉटिंग हो रही है, तो हमारी इंडियन पॉपुलेशन में कोई मेजर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिला। बहुत सेफ है, बस छोटा सा जहाँ हम वैक्सीन लगाते हैं, माउथ इंजेक्शन की जगह रेडनेस, स्वेलिंग या पेट दर्द हो सकता है, वहां पे पेन हो सकता है या हल्का सा फीवर हो सकता है, बॉडी एक हेडेक, चक्कर आना, हल्की सी थकान होना या हल्का सा इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होना, वो 2-3 दिन रहता है नॉर्मली, और पैरासिटामोल खाने से ठीक हो जाता है। तो वैक्सीन बिल्कुल सेफ और बिल्कुल एफिकेशन है, तो इसलिए कृपया करके सब लोग जिनको मौका मिले वैक्सीन जरूर लगवाएं। और चूंकि हम सबको पता है कि कोरोना को हराने का जो एक हथियार सबसे बड़ा हमारे पास है, जो ब्रह्मास्त्र है, वो ब्रह्मास्त्र सिर्फ वैक्सीन है और उसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास, जो बिल्कुल 100% प्रूवन है। अगर आपने वैक्सीन लगवा ली तो आप एटलीस्ट, आपको सीरियस बीमारी नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम होंगे, अगर कॉम्प्लिकेशन होते भी हैं तो मृत्यु नहीं होगी। तो जो तीनों वैक्सीन है, तीनों वैक्सीन से आपके इतना एटलीस्ट फायदा है कि आपको बीमारी से बचेंगे, और बीमारी होती है तो सीरियस नहीं होगी, कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे, कॉम्प्लिकेशन होंगे तो डेथ नहीं होगी। तो अगर हम डेथ को प्रिवेंट कर लें तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और मैंने देखा बहुत सारे लोगों को जिनको वैक्सीन लगी है, उनको अगर बीमारी होती भी, इन्फेक्शन होता भी, तो बहुत माइल्ड होता है, फ्लू की तरह होता है और निकल जाता है। इसलिए कृपया करके जिसको जहां मौका मिले, अब तो 18+ के लिए सबके लिए खोल दिया गया है, तो सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं।